हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है जो हम लोग स्प्लिट एयर कंडीशनर के आउटडोर में यूज़ करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर फेज़ को कंप्रेसर के लिए फॉरवर्ड करता है जब यहाँ पे पीसीबी से सप्लाई आती है। तो बहुत बार हमारे इंजीनियर्स को कन्फ्यूज़न होता है कि इस कॉन्ट्रैक्टर को किस तरीके से चेक करें। तो हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कनेक्टर्स होंगे। दो कनेक्टर्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, किलो ओम में रेजिस्टेंस दिखेगा, क्योंकि इनके बीच में एक कॉयल होता है। और जब पीसीबी से सप्लाई आती है, पीसीबी में आप देखेंगे तो वहाँ पे 3 वायर होंगे, एक न्यूट्रल होगा, एक फेस होगा और एक कंट्रोल वायर होगा। इसके अलावा एक अर्थिंग का वायर होगा, वो तो अलग होता है। तो यहाँ से फेस है, न्यूट्रल है, फेस और न्यूट्रल में से न्यूट्रल जो है वो डायरेक्टली कंप्रेसर को जा रहा होता है और ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर फेस को कंट्रोल करता है। सिंपल एक स्विच की तरह से काम करता है ये। जैसे ही इसमें पीसीबी से सप्लाई आती है, यहाँ पे मौजूद फेस को ये कंप्रेसर के लिए फॉरवर्ड कर देता है। अब इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग देखें ये कॉन्ट्रैक्टर आपके पास है और कोई भी वायर इसमें नहीं लगा है, तो हमें क्या चेक करना होगा, ओपन कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं और रेजिस्टेंस के कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं। जिन दो कॉन्टैक्ट के बीच में आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, वहाँ पे एक तो डायरेक्टली न्यूट्रल लगेगा, दूसरा पीसीबी से जो कंट्रोल होके फेस आ रहा है या सप्लाई आ रही है वो दूसरे पॉइंट पर लगेगी। फिर जो डायरेक्ट फेस आ रहा है, ये फेस आपका कंप्रेसर को जाना है। कब जाना है, जब यहाँ से स्विचिंग होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो इस पॉइंट को अगर आप प्रेस करेंगे तो इन दोनों में कंटिन्यूटी शो करेगा। ये प्रेसेबल होता है, इसको प्रेस कर सकते हैं, ऊपर से प्रेस किया जा सकता है ये पॉइंट। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी आ गई। अब अगर हमने देखा कंप्रेसर हमारा नहीं चल रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं हो रहा है, आवाज़ करके कड़क करके आवाज़ करता है, ये ऑन होता है। जब यहाँ पर सप्लाई आती है, ये कॉयल एनर्जाइज होता है, कॉयल इन दोनों कॉन्टैक्ट्स को एक सपोर्ट की मदद से, एक मेटेलिक सपोर्ट की मदद से क्लोज कर देता है। तो जैसे ही यहाँ सप्लाई आती है, ये कॉन्टैक्ट क्लोज होता है, ये सप्लाई यहाँ से बढ़ के यहाँ पहुँच जाती है और हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाता है और फैन मोटर ऑन हो जाता है। तो आउटडोर के लिए हमको चेक करना है कि कैसे सप्लाई फॉरवर्ड हो रही है। उसके लिए हम इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे, जहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है वहाँ पे हम पीसीबी से कंट्रोल वायर लगाएंगे और जिन दो पॉइंट्स पे ये प्रेस करने पे कंटिन्यूटी मिल रही है वो हमारा फेस ट्रांसफ़र होने वाला है कंप्रेसर को। तो इस तरह से आसानी से हम इसको चेक कर सकते हैं। न्यूट्रल जो है वो यहाँ से एक जंक्शन दिया होता है, उससे कंप्रेसर और फैन मोटर को डायरेक्टली फॉरवर्ड होता है और फेस जो है वो इस कॉन्ट्रैक्टर से कंट्रोल होके। थैंक यू।